आइए और जानकारी लेते हैं कि हाँ प्रोफेसर हल्ला बोल का नारा लगा रहे हैं और ये हल्ला क्यों बोल रहे हैं और किस पे हल्ला बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मैं सुमन सोनकर हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ाती हूँ। सोनकर जी, सुमन सोनकर। सुमन सोनकर, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए आप लोग? जो हमारी प्रमुख मांग है सर जी, वो मांग है जो 5 मार्च को UGC ने एक सर्कुलर भेजा था, जो रोस्टर में चेंजेस का रोस है, 13-point रोस्टर इम्प्लीमेंट करने का और 200-point रोस्टर को डिसकंटिन्यू करने का। तो हम लोग 5 मार्च के सर्कुलर के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। तो मतलब ये जो 5 तारीख का जो सर्कुलर लेटर जो आया था, अब मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई इसको हमने वापस कर लिया है और इस पर हमने कुछ कोर्ट की इस तरीके की एक कुछ वो होता है प्रावधान, उसको हम उसे लागू करने के बाद में हम इसको जारी कर देंगे। देखिए, अगर ये मंत्री महोदय ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने 5 मार्च के सर्कुलर को वापस ले लिया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है वास्तविक धरातल पे। नंबर 1, नंबर 2, उन्होंने ये अवश्य आश्वासन लिखित दिया है उनके ऑफिस की तरफ से कि ये कोर्ट में इसको SPL डाला जाएगा। तो देखिए, अभी तक तो डाला नहीं गया है, फिलहाल जमीनी हकीकत तो कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इस पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो SPL डालेंगे तो वही जज उनकी सुनवाई करेंगे, तो फिर वो अपने क्या जो जजमेंट दिया है उस पे पुनः विचार करेंगे क्या? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आज जो लोकतंत्र खतरे में है, जो लोकतंत्र हिल रहा है और सरकार न्यायपालिका मिल करके अगर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो उसमें मीडिया का सर्वप्रथम रोल और उत्तरदायित्व बनता है कि वो जनता को अब गुमराह होने से बचाए। और आप लोग का आपका जो ये सवाल है निस्संदेह बहुत प्रयास प्रशंसनीय है, क्योंकि सरकार स्वयं ना तो आरक्षण के खिलाफ जाके कुछ कर सकती है, सरकार स्वयं जाके उच्च शिक्षण संस्थाओं में ना तो नियुक्तियों पर और ना ही बच्चों के एडमिशन को डायरेक्ट हैंडल कर सकती है या अफेक्ट कर सकती है। तो अब सरकार क्या कर रही है, न्यायपालिका के माध्यम से लड़ाई कर रही है। और न्यायपालिका का हाल ही में आपने देखा है कि 4-5 जज लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप वो देखें कि न्यायपालिका पे विश्वास अब हिल रहा है। और न्यायपालिका में किसके लोग हैं? सरकार के लोग हैं, और सरकार के लोग जो न्यायपालिका में है वो सरकार के मनमाफिक फैसले देते हैं। तो निसंदेह हम बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि अगर सरकार SPL डालती भी है तो हमें उस पर न्याय मिलेगा। इसलिए हम स्वयं अपने समाज की लड़ाई, शोषित समाज जो बहुत सालों से, हजारों सालों से पिछड़ा रहा है, शिक्षा से वंचित रहा है, धन अर्जन करने से वंचित रहा है, हम उस समाज की लड़ाई हम शिक्षक लड़ रहे हैं। धन्यवाद।